नमस्कार दोस्तों, खुशखबरी आ चुकी है भाई। रिजल्ट डेट कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, जेपी पावर का यहाँ पे अपडेट आ चुका है। 19 अक्टूबर 2024 आज शनिवार है और आज ही इसका जो है रिजल्ट डेट अनाउंस हुआ है। रिजल्ट डेट कब है उसके बारे में बात करेंगे, और पीछे कैसा रिजल्ट आया था उसके बारे में बात करेंगे, और आगे कैसा आना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा यहाँ पे आप लोग। और जस्ट अभी अभी ये अपडेट आया भी है। देखिए अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए एक्सचेंज का जो टाइम है वो यहाँ पे देखेंगे, रिसीव टाइम और ये जो है देने का टाइम, दोनों टाइम देखिए 19 अक्टूबर 2024 15:56। तो सीधा सीधा 16 बजे के आसपास का अपडेट आया है, 4 बजे के आसपास का अपडेट आया। और यहाँ पे देखिए 4:05 में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी विप्रो की वीडियो मैं बोनस वाले चैनल पर डाल रहा था, तो 2-4 मिनट और डिले हो गया, नहीं तो फिर। अब देखिए यहीं पे और लेटेस्ट अपडेट दिया हूँ, लाइक करिएगा। 1000 लाइक आप लोग कंप्लीट करिए, सभी लोग दबा के लाइक करिए, हर बंदे को लाइक करना है। अब देखिए कंपनी कह रही है कि ये हमारी 148वीं जो है मीटिंग होने वाली है, बोर्ड मीटिंग ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर। ये बोर्ड डायरेक्टर की 148वीं मीटिंग होने वाली है, और ये मीटिंग सैटरडे, शनिवार, आज सैटरडे है, आज अनाउंस हुआ है, और रिजल्ट भी सैटरडे को ही आएगा। तो आराम से देखेंगे, जब भी रिजल्ट आएगा सैटरडे को देखेंगे, सुनेंगे, गुनेंगे एकदम ध्यान से, उसके बाद सोमवार को डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो सैटरडे को 26 अक्टूबर 2024 को इसका जो है रिजल्ट आने वाला है, 26 अक्टूबर, ये डेट आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना, 26 अक्टूबर, और इसी दिन आएगा इसका रिजल्ट। जब भी रिजल्ट आएगा सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, नोटिफिकेशन बस आप लोग ऑन कर लीजिएगा, और चैनल तो सब्सक्राइब करना ही करना है। कंपनी कह रही है कि हम अपना अनऑडिटेड स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट घोषित करने वाले हैं फॉर द क्वार्टर, इस क्वार्टर का, और हाफ ईयर, हाफ ईयर वाला भी, छमाही वाला भी रिजल्ट कंपनी यहाँ पे घोषित करने वाली है। इनसाइडर ट्रेडिंग पहले से ही कंपनी का क्लोज कर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो। जब ये रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट के आने के 48 घंटे के बाद इनका इनसाइडर ट्रेडिंग भी चालू हो जाएगा। तो फिर जो एम्प्लॉय होते हैं या डायरेक्टर वेक्टर कह लें, प्रमोटर ग्रुप के जुड़े हुए लोग, उनके रिश्तेदार, वो लोग भी शेयर बाय सेल कर सकते हैं। तो ये अब मेन चीज आएगा कि इसका रिजल्ट कैसा आया था पीछे। तो देखिए पीछे का मैं 3 क्वार्टर का बता देता हूँ, पहले 2 ही क्वार्टर का, क्योंकि 2 ही से कंपेयर करेंगे। पिछला क्वार्टर जून से कंपेयर करेंगे और सितंबर 2023 से। सितंबर 2023 में इसको जो है 70 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ था। वहीं पे पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर में 350 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। और एक चीज आप लोग यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, ये इसी सितंबर 2023 से बढ़ते हुए क्रम में है, मतलब 70, 170, 500, अच्छा हाँ यहाँ पे और ज़्यादा आ गया था, 590 आ गया था, और पिछले क्वार्टर में घट गया था। तो इस क्वार्टर में 350 करोड़ को देखना होगा कि बीट करता है कि नहीं करता है। अगर बीट नहीं करता है तो ये डाउन ट्रेंड भी हो जाएगा, समझ रहे हो। ये अगर हम लोग, अगर इसका आ जाएगा इस बार, अगर कम आता है तो पहले 600 करोड़, उसके बाद 350 करोड़, उसके बाद 300 करोड़, इस तरह से डाउन ट्रेंड भी हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, बढ़ते क्रम में है तो इसी तरह से चलना चाहिए, कम से कम 350 से प्लस में इसको जो है नेट प्रॉफिट करना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका जो है, अगर देखेंगे सितंबर में 30% के आसपास का था और जून में 45% का था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे भी देखना होगा क्या असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, अदर इनकम भी हो रही थी, इंटरेस्ट भी भरना पड़ रहा था, तो ये सब देखेंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों आप लोग रिजल्ट भी याद रखिएगा, हालांकि बाद में और हम लोग देखेंगे इसको। पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो इसमें 7.25 करोड़ इक्विटी शेयर केवल NSE की बात करेंगे तो ट्रेड हुआ था, 7.3 करोड़ इक्विटी शेयर, 145 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए थे, और यहाँ पे 30% का डिलीवरी परसेंटेज आया था, जो कि कम था भाई, बहुत कम, नहीं तो इसका 60-65 हमेशा डिलीवरी परसेंटेज रहता है। 20% का इसका सर्किट लिमिट हो गया, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो मैं अभी कल परसों में एक दो वीडियो बनाया था, और वो हर दिन रोजाना वीडियो बनाता हूँ इसकी, तो बताया था आप लोगों को कि इसमें खरीदारी करना है हर वही 18.5 रुपये के हर गिरावट पे, या फिर 18 रुपये के जब तक ऊपर ऊपर है, तेजी का व्यू रहेगा, खरीदारी करने का व्यू रहेगा। स्टॉप लॉस इसमें हम लोग थोड़ा सा नीचे 15 रुपये, 14.5 रुपये के नीचे का फॉलो करेंगे, और टारगेट फिलहाल में 25 रुपये का एक छोटा सा रहेगा, और ये अगर क्लियर करता है तो फिर हम लोग को ये 32 रुपये तक का भी टारगेट आने वाले समय में दे सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। तो देख लीजिएगा वीडियो कैसी लगी है, रिजल्ट डेट कैसा लगा, सही डेट था या गलत डेट कंपनी ने चूज़ कर लिया है, ओपन मार्केट में रहना चाहिए था, बताइएगा। मुझे तो एकदम परफेक्ट लग रहा है कि आराम से देखेंगे एकदम रिजल्ट, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, लाइक करिए सभी लोग।